Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुलसी, 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 अगर तुम इस कमरे में हो तो प्लीज हमें कोई इशारा दो। तुलसी, हम और तुम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है गुनगुन की खुशी। आज हम तुमसे एक सलाह मांगने आए। बोलिए ना माँ। तुम देख रही हो ना, जब से राधा इस घर में आई है तब से गुनगुन के बर्ताव में कितना बड़ा बदलाव आया है। राधा के साथ ही खाती है, राधा के साथ ही सोती है, उसकी कही हुई हर बात मानती है। तुलसी, क्या तुम्हें लगता है कि राधा गुनगुन की मां बन सकती है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है जैसे राधा हमारे मोहन के लिए सही है? क्या राधा को मोहन का जीवन साथी बनना चाहिए? हाँ माँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। खुशी तो इस बात की हो रही है कि आखिरकार आपको भी वही लग रहा है जो इतने दिनों से मुझे लग रहा है। माँ, मोहन और गुनगुन की खुशी सिर्फ और सिर्फ राधा में। दामिनी बहुत अच्छी लड़की है और वो हमारे मोहन को चाहती भी है। तुम्हारे जाने के बाद जब मोहन ने इस घर से, बिजनेस से, हर चीज से अपना मुंह मोड़ लिया था, तब दामिनी सब कुछ संभाला, खास करके मोहन को। और इसीलिए हमने दामिनी को हमारे मोहन के लिए चुना। पर तुम देख रही हो ना, इतने सालों में वो गुनगुन के दिल में जगह नहीं बना पाई। क्योंकि वो कभी रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती थी। उसे गुनगुन की मां नहीं, सिर्फ मोहन की पत्नी बनना है। मां, हमारी यही उलझन है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ दामिनी को दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ हमारी गुड़िया की खुशियां। अगर राधा मोहन के साथ आ जाती है तो दामिनी का क्या होगा? उसका तो दिल टूट जाएगा। दिल तो उनका टूटता है जिनके पास दिल होता है, और दामिनी के पास तो दिल है ही नहीं माँ। उसके पास तो सिर्फ दिमाग है, तरह तरह के चाले चलने वाला दिमाग। हम मानते हैं, हम मानते हैं हम थोड़े स्वार्थी बन रहे हैं, पर हम क्या करें, हम माँ हैं, हम हमारे बच्चे की खुशियों को महत्व दे रहे हैं, पर हम दामिनी की खुशियों को भी तो नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अनजाने में ही सही, लेकिन आज आप पहली बार समझ पा रही है कि दामिनी ना तो मोहन के लिए सही है, ना गुनगुन के लिए और ना ही इस घर के लिए। प्लीज तुलसी, प्लीज हमारी मदद करो। अगर तुम्हें लगता है कि राधा को मोहन की जिंदगी में आ जाना चाहिए तो दामिनी को कैसे संभालेंगे? प्लीज प्लीज कोई तो इशारा दो, प्लीज हमारी मदद करो। देख या सुन तो नहीं सकते, आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक सास अपनी बहू से नहीं बल्कि एक माँ अपनी बेटी से दिल खोल कर बातें करने आई। हाँ माँ,
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप एक सास बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर अपनी बेटी से सलाह मांगने आई है। पहले गुनगुन के लिए और अब मोहन के लिए। हम बहुत खुश हैं तुलसी, हम जो सोच रहे तुम भी वही सोच रही हो ये जानकर। अगर अगर राधा मोहन की जिंदगी में आ जाती है तो दामिनी का क्या होगा? कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है दामिनी बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। लेकिन अब हमें दूसरा कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोहन के दिल में क्या है। मोहन के दिल में सिर्फ राधा है माँ, बस वो अपने दिल की बात नहीं समझता। ये रहा तुम्हारा टेस्ट पेपर, यहाँ पर बैठो और इसे कंप्लीट करो। पर अभी अभी नहीं, मोहन नाम है मेरा। वो तो पता है। आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, तब तक दूसरा पेपर तैयार कर दो तुम्हारे लिए। बैठ। भूल गई, जैसे प्रीता अर्जुन को देखकर भूल जाती है। वो कौन? वो तो सीटीवी नहीं दिखती हो क्या? फोटो तो तुमने मोहन की बनवाई थी। इसका मतलब मोहन तुम्हारा हीरो है? मोहन से लव करती हो? कौन कौन? ऐसी बात मत करिए, अगर मोहन जी ने सुन लिया ना वो बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्या? नो चीटिंग। गुनगुन तुम एक काम करो, इधर आओ, उसकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं। कम इन। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।